के बेतिया सिटी ब्लॉग 2023। जी हाँ, तो बदलता बिहार और बदलता हमारा बेतिया। लोग बेतिया शहर के ओवरब्रिज पे हैं, इसका काम अभी जारी है, चल रहा है। या नगर निगम से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं नगर निगम से यही कहना चाहूँगा कि इसकी साफ सफाई की जाए। तो हम लोग का शहर है तो बहुत साल पहले जो है राजतंत्र बाग मंदिर बेतिया में स्थित 550 मूर्तियां हैं। ये और पीछे आप देख रहे हैं शीश महल है, राजा का घर है, बेतिया का मीना बाजार है। मंदिर को दीवार को गंदा करना सही बात है। मैं बेतिया के अभी मेन शहर में हूँ। आई लव माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी तारिक सैफुल्ला और आपका स्वागत है तारिक सैफुल्ला व्लॉग्स में। और फिर से हम लोग हाजिर हैं एक नया व्लॉग लेकर के, बेतिया सिटी व्लॉग 2023। जी हाँ, तो बदलता बिहार और बदलता हमारा बेतिया, इस चीज़ को मैं अपने वीडियो के जरिए से कवर करना चाहूँगा और बेतिया का जो जो चीज़ बदला है वो सारे चीज़ को आप लोगों तक दिखाना चाहूँगा। तो अभी मैं आपको ले चलूँगा बेतिया शहर, वो चीज़ घुमाऊँगा और क्या क्या नया चीज़ ओपन हुआ है, क्योंकि बेतिया बहुत ही ज़्यादा विकास कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। क्योंकि अगर आप सुप्रिया रोड में जाओगे तो वहाँ बहुत तरह का मॉल खुल चुका है और मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है, और बेतिया वालों के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, क्योंकि बेतिया हमारा बहुत 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 विकास की तरफ जा रहा है। इससे पहले मैंने 2 साल पहले अपने शहर का व्लॉग बनाया था और अभी रिसेंटली बना रहा हूँ 2023 का। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को और चलते हैं आप लोगों को लेके अपना शहर बेतिया घुमाने। तो अभी हम अपने शहर बेतिया के रेलवे स्टेशन पे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और अभी इसके बाहर चलेंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सुप्रिया रोड, दिखाऊंगा कॉलेज, दिखाऊंगा और भी बहुत कुछ दिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। करके लिखा हुआ आई लव वेस्ट चंपारण, तो ये भी तब्दीली देखने को मिला है और इस चीज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था और रात के टाइम में लाइट वाइट होता था तो बहुत ही खूबसूरत लगता था, लोग आकर के यहाँ पर फोटो क्लिक करते थे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कंटिन्यू अपने शहर बेतिया का। Thank you.
आपको लेके चलूंगा ओवर ब्रिज का जो काम हो रहा है, और ये बहुत दिन से लोग एक्साइटेड है ओवर ब्रिज को लेकर के, जो छावनी बन रहा है कब तक बनेगा कब तक बनेगा, तो वहाँ का भी अपडेट मैं आप लोग को दूंगा। रास्ते में मुझे ग्रेजुएट चाय वाली का शॉप दिखा है, यहाँ का भी मैंने व्लॉग बनाया है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग चाय पीने के लिए, उसके बाद चलेंगे आप लोग को लेकर। और अगर बीच जाएंगे यहाँ पे मेरे भाई बैठे हुए, इस्ताद भाई हैं और ये भी भाई हैं। भाई क्या कहना चाहेंगे बिजिया के बारे में? बिजिया सिटी बहुत अच्छा सिटी है, अपना शहर है, बहुत अच्छा लगता है। अपना बेतिया बेमिसाल, तो हम साथ में एक बार कह सकते हैं ना, आई लव माई बेतिया। दिल से बात है, बोलिए आई लव माई बेतिया। अभी हम लोग बेतिया शहर के ओवर ब्रिज पे हैं, जिसका काम अभी जारी है, चल रहा है, और इसका काम लगभग खत्म होते होते 2024 के एंड तक और 2025 के स्टार्टिंग तक में हो जाएगा, मतलब 2024-25 तक इसका काम हो जाएगा। और मेरे साथ है इरशाद भाई हैं और वहाब भाई हैं, वहाब भाई का घर यही छावनी हुआ, और मैं अभी छावनी में खड़ा हूँ ओवर ब्रिज पे। तो बहुत ही खूबसूरत रहेगा, और जो जाम का मसला है वो हल हो जाएगा। जाम के बारे में क्या बताइएगा, छावनी का जाम के बारे में? जाम बहुत ज्यादा लगता है अभी भी यहाँ पे, जाम अभी बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन आई थिंक जब ये प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद राहत मिलेगा, बहुत राहत होगा। ऑलमोस्ट यहाँ का जाम का जो भी मसला है वो क्लियर हो चुकी है। बड़ी गाड़ियाँ जहाँ से गुजरती है चारों तरफ दिखाई देती है, ऑलमोस्ट वो ऊपर से ऊपर चली जाएंगी, छोटी गाड़ियाँ नीचे रहेंगी, इसकी वजह से जाम का मसला सॉल्व हो जाएगा ज्यादातर। तो आप जैसे कि देख रहे हैं बदलता बेतिया बदलता बिहार, और आप तो ये जैसे देख रहे हैं 2-3 साल में बेतिया कितना बदला है, आप लोग क्या बताना चाहिएगा? बदला है, क्योंकि बहुत सारे मॉल नहीं थे, अब बहुत बड़े बड़े आउटलेट और फ्रेंचाइजी हमारे बेतिया में ओपन हो रहा है, और भी बहुत बहुत ही खूबसूरत चीज मैंने व्लॉग बनाया है, द रूफ टॉप का ऊपर रेस्टोरेंट है वो, उसमें बहुत ही ज्यादा व्यूज गया है, वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और अभी हम लोग छावनी के ओवर ब्रिज पे हैं, और आप लोग अपडेट मांगते थे यहाँ का, तो यहाँ का काम हो रहा है, 2-3 साल में काम फाइनल हो जाएगा, तो आप लोग को जाम से सुकून मिलेगा। चलिए अब मैं इधर उतरवारी पोखरा है वो दिखाऊंगा, 3 लालटेन दिखाऊंगा, उसके बाद चलूंगा मार्केट की तरफ, जो बेतिया का आन बान और शान है, लाल बाजार मीना बाजार, वो ऐतिहासिक बाजार है, बहुत ही पुराना बाजार है। उसके बाद 2-3 मंदिर का दर्शन करवाऊंगा, मस्जिद का दीदार करवाऊंगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बेतिया वाले देख रहे हैं तो देखते रहिए, अभी और भी मैं आपको दिखाऊंगा। और खूबसूरत तो है माशाल्लाह, यहाँ पे छठ की पूजा भी होती है, होती है, और यहाँ पे ये घाट भी है, छठ का पूजा होता है, लेकिन गंदगी आप लोग देख सकते हैं, गंदगी हवाई गंदगी पे है, गंदगी नहीं फैलाइए आप लोग, बेतिया नगर गंदा कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। सागर पोखरा हो गया, उतरवारी पोखरा हो गया, तो इस सब पे ध्यान दिया जाए, और इसमें केमिकल वगैरह डाल करके इसकी सफाई की जाए। और मैं जनता लोगों से और नागरिक लोगों से आम जनता से ये अनुरोध और विनती करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर कचरा नहीं फेंके, क्योंकि यहाँ पर भी जनता लोग कचरा फेंके हैं, सफाई जब हो जा रहा है तो उसके बाद भी आप लोग कचरा ना फैलाएं। चलिए अब हम लोग और भी, क्योंकि ये जगह का पवित्र होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे छठ पूजा धार्मिक स्थल है, यहाँ पे छठ पूजा होता है, छठ पूजा यहाँ भी होता है, बेतिया नगर पोखरा में भी होता है। आप बेतिया नगर निगम से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं नगर निगम से यही कहना चाहूंगा कि इसकी साफ सफाई की जाए, और मैं जनता से भी ये कहना चाहूंगा कि इसमें आप लोग गंदा नहीं फेंके। बिल्कुल। ए फैमिली, तो हम लोग आ चुके हैं बेतिया के प्रसिद्ध मंदिर माँ काली धाम, जो कि प्रसिद्ध है काली बाग मंदिर के नाम से, और इस इलाके का जो नाम है वो भी इस मंदिर के नाम पे ही पड़ा है, लोगों ने रखा है काली बाग। चलिए मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ, और ये बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो हम लोग का शहर है वो बहुत साल पहले जो है राजतंत्र था, राजाओं का हुकूमत था, शासन था, और ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो राजा लोग के ही दौरान हुआ है, और ये जो है धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक मंदिर भी है। और सुनने में आया है कि रानी का जो आती थी उनका जो वहाँ शीश महल है, वहाँ का भी मैंने वीडियो बनाया, और अभी कुछ देर में आपको वहाँ भी लेके चलेंगे दिखाएंगे। तो सुरंग है यहाँ पे आने का, उन लोगों को एक गुप्त सुरंग था, तो सुरंग भी बना हुआ है, और पूरे बेतिया में ऐसे सुरंग बना था, और जहाँ जहाँ मंदिर और धार्मिक स्थल है वहाँ रानी जाती थी स्नान करने के लिए, तो वो नीचे उस सुरंग के ही जरिए से जाती थी। मैं अभी आया हूँ कालीबाग मंदिर आपको दिखाने के लिए, और ये भी हजारों साल पुराना मंदिर है, और अपना बेतिया में अगर आप इधर जाइएगा मीना बाजार,
वो भी राजा लोग के टाइम ही बनाया गया, वो भी बहुत ही पुराना है। ये आइए इधर आपको दिखाते हैं, ये हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ बीच में तालाब है, पोखरा। छठ पूजा के दिन भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और पूजा करते हैं, ये चीज आप देख रहे हैं। और अगर दरवाजा का बात करूँ तो 52 दरवाजा है, शायद भाई लोग बताएंगे जो यहाँ के लोग। 52 दरवाजा है ना टोटल, 52 दरवाजा है और सैकड़ों यहाँ पे मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी हर भगवान के। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और ये हमारे बेतिया शहर का गौरव है। तो अगर आप बेतिया से इस जगह पे नहीं आओ तो आओ, और बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक मंदिर है धार्मिक के साथ साथ, क्योंकि ये भी जो मंदिर है वो हजारों साल पुराना है। आपको दुर्गाबाग का जो मंदिर है वो भी इलाका दुर्गाबाग से फेमस है, ये इलाका कालीबाग से फेमस है। संत घाट का इलाका, वहाँ पर भी जो मंदिर है शिव मंदिर, सागर पोखरा का मंदिर है। तो ज़्यादातर बेतिया में जितने भी मंदिर है धार्मिक स्थल है तो वो सब आपको राजा के ज़माने में ही बना है, उस दौर में ही बना है। तो ये भी धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक भी है और एक आस्था जुड़ा है यहाँ पर लोगों का। जैसे यहाँ पे अगर इन भाई से हम बात करें, आप लोकल यहाँ के हैं जी, कालीबाग के हैं, इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए हमें। हम तो मालूम तो नहीं है, हम तो यहाँ पर नहीं रहता, मेरा नानी का घर है। अच्छा, आपके नानी का घर है, इनको नहीं पता है जी। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का भीड़ भी है, तो हमेशा लोग आते हैं घूमने के लिए, शाम के टाइम बैठने के लिए। और यहाँ पर एक और चीज दिखाया, तो यहाँ मछली पालन भी हो रहा है, आपको ये भी चीज दिख रहा है। तो ये अच्छी चीज है, आप आ सकते हैं। और अगर कोई भी आपकी मन्नत है तो लोग मन्नत भी मांगते हैं और उनकी विश जो है वो विश भी पूरी होती है। चलिए इसके बाद मैं बाहर चलता हूँ और आपको और भी दीदार कराता हूँ। यहाँ पंडित जी हैं, नमस्ते। यहाँ के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं बेतिया के बारे में? कौन पंडित? अच्छा, ये पंडित जी बताएंगे। पंडित जी आइए, पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। कालीबाग मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है धार्मिक के साथ साथ, राजा के जमाने में बना है और टोटल दरवाजा जो है वो 52 है, जिसका नाम है 52 दरवाजा। 52 दरवाजा है नाम है। इसके बारे में और क्या जानकारी है जो मतलब और पब्लिक और जनता को नहीं पता है, आपके मतलब माध्यम से उनको कुछ पता चल जाए? पंडित जी, टोटल यहाँ 550 मूर्तियाँ, 550 कालीबाग मंदिर बेतिया में स्थित 550 मूर्तियाँ हैं ये बता रहे हैं जी। पांच भाग में ये मंदिर है, पांच भाग में मंदिर है जी। एक है दक्षिण काली का जो है, 9 दुर्गा 10 महाविद्या। अच्छा, जिसमें 64 योगिनी और महाकाली जी का मंदिर भी आता है। अच्छा, दूसरा भाग है आपको दशावतार मंदिर जी, जिसमें विष्णु के 200 अवतार हैं, पंच गंगा है जी। उसके बाद आता है तीसरा नंबर में गणेश जी का, जो 56 विनायक, एक ही पत्थर में 56 विनायक, 56 गणेश जी हैं। 56 गणेश जी हैं हाँ, उसमें उनकी दोनों पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि और महामृत्युंजय का नाम सुना जाता है, महामृत्युंजय का मूर्ति मात्र यहाँ है। अच्छा, यहाँ मात्र यहीं पे है? हाँ। पूरे बिहार में यहाँ पे है? पूरे, देखिए मंदिर जो है पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है। अच्छा, जैसे अच्छा, बगल में 10 दिक्पाल हैं जो उसी में आते हैं गणेश जी। अच्छा, उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें एक अलग में तिल भांडेश्वर है जो जिंदा पत्थर है, जिंदा पत्थर है जो बढ़ते हैं। वो कहाँ पे पत्थर है? भोले बाबा के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में है, शिव बाबा के मंदिर में है, वो चीज देख सकते हैं। और ये जैसा कि बता रहे हैं सिर्फ बेतिया का नहीं पूरे हिंदुस्तान का ये इकलौता मंदिर है जिसमें इतनी सारी मूर्तियां हैं, 500+ मूर्ति हैं। पतित पावनेश्वर का मंदिर है जो पत्थर का बना हुआ है जी, मसाला का यूज कहीं नहीं है, टोटल पत्थर, टोटल पत्थर है। उसके बाद आपको बगल में है पशुपतिनाथ जो हूबहू काठमांडू के वाले जैसे, काठमांडू के जैसे है। दूसरा श्याम कार्तिक का मूर्ति जो है जी, आपको दशहरा में बनते हैं दुर्गा जी के साथ जी जी, एकल कहीं नहीं मूर्ति है, कोने में है क्योंकि लेडीज लोग नहीं दर्शन करे, दो रूम के अंदर। अच्छा, लेडीज लोग दर्शन नहीं करे। उसके बाद सप्तऋषि, आपको 5 पांडव, अच्छा, 4 वेद, 18 पुराण, 9 उपनिषद, उसका मंदिर है बगल में जी। ये आपको बगल में 12 कला सूर्य नारायण है। अच्छा, और 9 ग्रह जस्ट उसके बगल में है, उनकी पत्नियां महादशा है। ये भैरव यहाँ जो है गेट पे जी जी, ये जस्ट लाइक सिपाही हैं, सिपाही जी, अष्ट भैरव, काल भैरव, भूत भैरव और महाकाल भैरव, कहीं जाएगा 8 भैरव बताएंगे, 8 भैरव, 9 मिलेंगे, 11। दूसरा बात, पांचों मंदिर का पंच वाहन मंदिर ये है, ये वाला मंदिर है और इसमें आदि गणेश है। अच्छा,
आदि गणेश है यानी पांच मुंह वाले जो भोले बाबा के शादी में उनकी पूजा हुई थी। अच्छा, ये आपको गणेश जी एक यहाँ है जो दशावतार के सवारी हैं, एक गणेश जी वहाँ भी हैं, हनुमान जी यहाँ हैं। अच्छा, हनुमान जी यहाँ, एक ये हनुमान जी और एक पंचमुखी हनुमान जी हैं, पंचमुखी जिनके पांच मुंह हैं वो हनुमान जी हैं। एक सरस्वती जी हैं जो माँ में जो सरस्वती जी का पूजा जी जी जी, और एक नदी सरस्वती जी हैं जो दशावतार में वो भी हैं टोटल, वो 64 जो भी हैं लेकिन मूर्तियाँ 83 जो है 83 मूर्ति हाँ एक जगह। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेतिया का भव्य मंदिर काली बाग मंदिर, और इसी नाम से यहाँ के जो इलाका है उसका नाम भी रखा गया है काली बाग। और यहाँ पर ज्यादातर जितने भी मंदिर हैं सारे धार्मिक के साथ ऐतिहासिक है और बहुत ही हजारों हजार साल पुराने हैं। बेतिया वासियों को और क्या कहना चाहिएगा आप अपने तरफ से? इसका और निर्माण अच्छा से हो जाना चाहिए, जो छत ढह रहा है वो अच्छा से इस पे, क्योंकि ये हमारा गौरव है। इस पे आप लोग को ध्यान देना चाहिए, जो भी देख रहे हैं निर्माण में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसको बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। अपने धरोहर को संभालें, धरोहर को संभालें, सही बात है, अपने धरोहर की हिफाजत। मैं आपको दिखा रहा था काली बाग का मंदिर जो एक धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक मंदिर भी था, और अब मैं आपको लोग को लेकर के आया हूँ राजदेवरी। और पीछे आप देख रहे हैं शीश महल है, राजा का घर है, वहाँ पर राजा फांसी देता था, ये चीज मैं दिखा रहा हूँ। और सामने अगर इस तरफ देखिएगा तो बेतिया पार्क भी है, नजर बाग पार्क। और मैंने यहाँ का वीडियो बनाया है इससे पहले, हिस्ट्री ऑफ बेतिया राज, नहीं देखे हो तो वो भी आप सर्च करके देख लेना, हिस्ट्री ऑफ बेतिया राज, यहाँ का फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। घंटा घर है, वो हर चीज आप देख लोगे उस वीडियो से। अब चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ जंगी मस्जिद। हेलो फैमिली, तो मैं बेतिया के अभी मेन शहर में हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं चौराहा का नाम है खुदा बस चौक। और इस तरफ आपको जंगी मस्जिद का वो मस्जिद दिख रहा होगा, और इधर पूरा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज बेतिया का, जो मैं आपको दिखाने वाला था। और अगर उस तरफ मैं दिखाऊंगा तो ये नाजनीन चौक के तरफ जंगी मस्जिद है ना, ये नाजनीन चौक जाएगा, इधर जंगी मस्जिद है, इधर मेडिकल कॉलेज, और ये हॉस्पिटल रोड जाएगा। और यहाँ पे हमारे अंकल है, चाचा है, प्रशासन के जो जाम को क्लियर कर रहे हैं, तो इनका भी आप लोग सहयोग करें, जाम नहीं लगाएं, अच्छे से जाएं, अपने लाइन में चलें, इन लोग का भी साथ दे, इतना हम लोग के लिए करते हैं। और मैंने उसका वीडियो बनाया है हिस्ट्री ऑफ जंगी मस्जिद, नहीं देखा है तो सर्च करके आप देख सकते हो। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा थोड़ा बना रहे, इस तरफ चले जाएगा तो हॉस्पिटल रोड जाएगा, और इधर मेडिकल कॉलेज है, इस तरफ जंगी मस्जिद है, और उस तरफ नाजनीन चौक जंगी मस्जिद इधर एरिया में है, उस तरफ जो कहते हैं राजदेवरी है, लाल बाजार मीना बाजार भी इसी तरफ है, मैं आपको लेके चलूंगा। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, चलिए। ये बेतिया का मीना बाजार है, और हॉर्न पॉल्यूशन कम करें आप लोग, और स्ट्रीट बाजार आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट में, क्या बोलना चाहिएगा आप? यहाँ पे चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं, जो ख्वातीन है वो यहाँ पे काफी जाम लगाती हैं। में आपको लाल बाजार जाएगा मीना बाजार के बाद, और हम लोग चलेंगे सागर पोखरा की तरफ। और ये देखिए, ये लाल बाजार में आपको दिखा रहा हूँ, लाल बाजार के बाद क्रिश्चियन क्वार्टर आएगा, दरगाह मोहल्ला आएगा, तीन लाल सेन चौक आएगा, एनजे कॉलेज, हर चीज में आपको दिखा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कवर कर रहा हूँ। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कहाँ कहाँ से आप लोग हमको देख रहे हैं। बेतिया में देख रहे हैं तो बेतिया में कहाँ से देख रहे हैं, और बेतिया से बाहर किसी और शहर से देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर, पटना, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, बनारस, किस किस स्टेट से देख रहे हैं, ये हमें बताइए। हाँ, ये बताइए क्या बोल रहे हैं बिहार के लोग, बिहार के जो लोग हैं जो लंदन में, हाँ वो भी देख रहे हैं, वो लोग भी बताइए, शेयर करें, शेयर कीजिए, हर बिहार के लाल तारिक सैफुल्ला को आप फेमस करें, आप लोग शेयर कीजिए, ये बिहार का लाल है, बिहार का शेर है तारिक सैफुल्ला, हमारे बिहार को ये ऐसे एक्सप्लोर करेगा जैसा किसी ने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया था। और उम्मीद है आप इसको सपोर्ट करेंगे, इसके चैनल को सपोर्ट करेंगे, और बिहार के शेर के हौसले को बढ़ाएंगे। इस तरफ से चलूंगा, देखिए सात स्वीट भी आपको दिखेगा, बनारसी पान दुकान दिखेगा, सात स्वीट बहुत ही फेमस दुकान है, दही चूड़ा उसके बगल में है, यहाँ से आप आके ले जा सकते हैं। अब चलिए, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ गंभीर है, ये हर चीज है, और मैं मतलब छोटे छोटे गली वगैरह में मोहल्ले को मैं कवर नहीं कर पाया, तो इसके लिए आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। मैं चलिए वीडियो को अब जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा, और जो यहाँ तक वीडियो देखे उनको आई लव यू मेरे भाई, वीडियो को शेयर भी कर दो आप लोग, और एक कॉमेंट भी कर दो। हेलो फैमिली, तो हम लोग आ चुके हैं सागर पोखरा, यहाँ का भी मैंने व्लॉग बनाया है, नहीं देखा है तो आप सर्च करना सागर पोखरा, और वहाँ का वीडियो देख सकते हो। और ये भी धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक मंदिर है, और शिव रात्रि जो होता है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है इस जगह पे। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ दुर्गा मंदिर, और दुर्गा मंदिर के बाद आप लोगों को लेके चलूंगा एमजे कॉलेज, और उसके बाद वीडियो खत्म कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया। चलो मेरा भाई, चलो दुर्गा मंदिर।
दिखाया था कालीबाग मंदिर और अब आ चुका हूँ दुर्गा बाग मंदिर। ये भी धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक मंदिर है। चलिए अंदर आइए, यहाँ देख रहे हैं प्रसाद वगैरह आपको लेना है तो ले सकते हो। वहाँ पे अगर दिखाया और नाम वाम लिख रहे हैं आप लोग उसको मत लिखिए। ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ बेतिया का दुर्गा बाग मंदिर। और उससे मैंने संत घाट का भी मैंने व्लॉग बनाया है, तो संत घाट का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो संत बेतिया संत घाट सर्च कीजिएगा, तो वहाँ का भी मंदिर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं श्रद्धालु जो है वो हजारों हजार के संख्या में डेली आते हैं। दान पेटी है तो वहाँ पर आप दान दीजिए, सहयोग कीजिए। मंदिर के दीवार से आप लोग ये नाम वगैरह मत लिखिए और इसमें भी बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लीजिए और इसको भी सुंदर बनाइए और इसका भी विकास होना चाहिए क्योंकि ये बेतिया का धरोहर है और जो है धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक भी है, मतलब हिस्टोरिकल भी है क्योंकि ये भी जो इसका निर्माण हुआ है वो राजा लोग के टाइम में ही हुआ है, राजा लोग के द्वारा हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ बेतिया जो है आज से हजार साल पहले जो है ये राजतंत्र था, राजाओं का यहाँ पे शासन चलता था, तो उसी के दौरान जो है दुर्गा बाग हो गया, काली बाग हो गया। मस्जिद की बात करेंगे तो जंगी मस्जिद जो मैंने आपको दिखाया था उसका भी जो निर्माण हुआ था वो राजा के जमाने में ही हुआ था। कॉलेज का अगर मैं बात करूंगा तो अगर कॉलेज आप देखिएगा MJK कॉलेज, महारानी जानकी कुंवर कॉलेज है, उसका भी निर्माण उन्हीं के नाम पे हुआ है। तो ये सब हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल जगह है। हमारा बेतिया बहुत ही सुंदर है तो आप लोग भी इसको सुंदर बनाने में सहयोग करें और स्वच्छता पे ध्यान दें, सफाई पे ध्यान दें। और मैं यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि धार्मिक स्थल जो भी है उसको आप लोग गंदा नहीं करें। अब जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं मेरे भाई, डस्टबिन का उपयोग करें, यहाँ डस्टबिन लगाएं और इस चीज़ को यहाँ पे नहीं फेंकें क्योंकि ये भी आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। दीवार पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, दीवार को गंदा नहीं करें, दीवार पे नाम नहीं लिखें, ये सब अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। प्रसाद भी खा रहे हैं तो इसको डस्टबिन में रखिए, सुंदर बनाइए अपने बेतिया को, सुंदर बनाइए जो भी धार्मिक स्थल है उसको सुंदर बनाइए। क्या भाई क्या कहना चाहिएगा इस बारे में, अगर हम लोग ये चीज फेंक रहे हैं तो अच्छा चीज है? यहाँ पे एक मतलब कचरा दान होगा, डस्टबिन होगा, उसमें हम लोग फेंकेंगे। दीवार पे बहुत सारे भाई लोग हमारे नाम लिख दे रहे हैं, सत्यम लिख दे रहे हैं, कुमार लिख रहे हैं, ये सब सही बात है? मंदिर को दीवार को गंदा करना सही बात है? बेतिया को हम सब मिलकर सुंदर बनाएंगे। और मैंने इससे पहले घाट दिखाया, घाट जहाँ पे छठ का पूजा होता है, मैंने उतरवारी पोखरा था, उतरवारी पोखरा दिखाया, सागर पोखरा दिखाया, वहाँ पर भी जो मतलब लोकल लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, घाट को गंदा कर रहे हैं, उसमें कूड़ा कचरा फेंक दे रहे हैं, तो ये भी तो गलत बात है। मैं नगर निगम से ये विनती करता हूँ कि आप साफ सफाई पे ध्यान दीजिए और मैं जनता से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग गंदगी नहीं फैलाएं। घाट जो है वो भी धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है, छठी मैया का पूजा होता है और उस चीज को भी आप लोग गंदा नहीं करें। डेली लोग जाते हैं वहाँ पर, सूर्य की पूजा करते हैं, मंदिर है यहाँ, डेली लोग सुबह को आते हैं, आस्था से जुड़ा हुआ है, पूजा करते हैं, प्रसाद खाइए। अगर डस्टबिन नहीं मिल रहा है तो उसको ले जाइए घर उर के पास या बाहर नगर निगम के द्वारा डस्टबिन का इंतजाम किया गया है, उसमें फेंके। मंदिर को स्वच्छ बनाइए, बेतिया को स्वच्छ बनाइए और बेतिया को साफ सुथरा रखिए। और क्या कहना चाहिएगा बेतिया वालों से आप लोग, मेरा भाई क्या कहना चाहिए चाचा बेतिया नागरिक से? भाई सब जो फेंका हुआ अच्छा लग रहा है तो इसको कहाँ फेंकना चाहिए? हम लोग को कचरादान में फेंकना चाहिए। मंदिर के अगर बाहर हम लोग गंदा फैला रहे हैं तो लोग क्या कहेगा? इससे तो हम लोग का तो घर ही ना है, क्या हम लोग घर में इस तरह खा के फेंक देते हैं? दाल चावल प्लेट ऐसे थोड़ी फेंकते हैं, क्या धुला उला के रखाता है? तो मंदिर भी जो है घर के समान है, जैसे विद्यालय जो है वो भी मंदिर के समान है, विद्यालय हो गया, मंदिर हो गया, सबको गंदा हम लोग नहीं करें, नाम वाम नहीं लिखे, इस चीज पे ध्यान दें क्या? चलिए मैं और भी आपको कॉलेज दिखाता हूँ। तो अब हम लोग आ चुके हैं MJK कॉलेज बेतिया और मैंने लगभग सारा चीज दिखा दिया, जो जो मेन चीज है बेतिया का, तीन लालटेन चौक दिखाया, मीना बाजार, लाल बाजार, राज देवरी दिखाया आपको और मैंने हर चीज कवर किया, ओवर ब्रिज दिखाया, स्टेशन दिखाया, कुछ कुछ जो छूट गया है वो मैंने 2022 में दिखाया था और बहुत सारे गली में मोहल्ले में नहीं जा सके, वो इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं था, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, 1-2 घंटा का आप भी बोल जाते हैं, ठीक है?
तो इसलिए वीडियो को मैंने छोटा बनाया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाइए कि आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक मिलते रहे। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी तक मैंने बेतिया पे कम से कम 200 प्लस वीडियो बनाया है, नहीं देखा है तो चैनल पर जाओ अभी से पूरा देखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस वीडियो को पूरा फैला दो, धूम मचा दो। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 1000 लाइक का, तो 1000 लाइक करो आप लोग, शेयर करो एकदम 10000 जो मैंने ये रखा है इसका वो कहते हैं मतलब 10000 तक व्यूज पहुंचाओ, 1000 लाइक करो। आई लव यू सो मच बेतिया वाले, कर सकते हो।